नहीं, अभी मेरा घर नहीं है, मेरा घर नहीं है, ये मेरा घर नहीं है, यहाँ कोई और रहता है। सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। वक्त ने यहाँ की दीवारों पे खून के निशान भी मिटा दिए हैं। असद के खून के निशान, सोया के, नजमा के, कुछ भी तो पहले जैसा नहीं है यहाँ। कुछ नहीं, कुछ नहीं, अब तो सिर्फ ये वही जगह है जहाँ सनम काम करती है, और कुछ नहीं है। मैं सनम को कभी नहीं बताऊंगी कि यहाँ उसके अम्मी और अब्बू का कत्ल हुआ था। नहीं बताऊंगी कभी नहीं। यहाँ वो लोग नहीं है, ये मेरा घर नहीं है। मैं ठीक हूँ हया, बस वो पता नहीं क्यों थोड़ी तबीयत खराब, लेकिन अब मैं ठीक हूँ। हाँ पापा, मुझे पता है कि तुम हो, मैं ठीक हूँ। हाय अल्लाह, और फिर जाना था इस कमरख लाइट को। कौन है वहां? बोलते क्यों नहीं? कौन है? हमें ऐसा क्यों लगा जैसे हमने किसी की आवाज सुनी? तुम्हारी आवाज कुछ पहचानी सी लग रही। हमें ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये आवाज हमने परसों बात सुनी है? जी मैं यहाँ। तुम यहाँ की नई कुक हो, है ना? जी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे बेटे आहिल से बात कर रही थी। जी। सनम, यही नाम है ना तुम्हारा? जी, लेकिन आपको कैसे पता? अल्लाह जब एक चीज छीन लेता है तो दूसरी चीज दे देता है। हमें दिखाई तो नहीं देता लेकिन हम बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। लेकिन सनम,
तुम तो अपनी बड़ी अम्मी से मिलने जाने वाली थी। जी जी, वो मेरी बड़ी अम्मी की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती आजकल, तो फिर मैंने उन्हें यहीं बुला लिया। आज भी उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। अच्छा अच्छा। बेगम साहिबा, सब ठीक तो है? आपको कोई चीज की जरूरत है? रेहान, तुम अब भी हमें बेगम साहिबा कहकर बुलाते हो? जी मैं वो नहीं रेहान, हमें कुछ नहीं चाहिए, हम बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन ये सनम, इनकी बड़ी अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, चलो चलकर इनकी बड़ी अम्मी को दिखाते हैं। नहीं नहीं बेगम साहिबा, अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, शुक्रिया। जरूरत कैसे नहीं, अब तुम इस घर में आ गई हो और जब तक इस घर में हो इस घर का हिस्सा बनकर रहोगे। न जाने हमें ऐसा क्यों लगता है जैसे हमारी तुमसे पुरानी जान पहचान है। रेहान। जी बेगम साहब। इनके साथ जाओ और देखो इन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं, इनकी बड़ी अम्मी को कोई परेशानी तो नहीं। जी बेगम साहब। शुक्रिया बेगम साहिबा। रेहान, हमें पता है कि अगर हमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो हम पानी में गिर जाएंगे। इस घर के जर्रे जर्रे से वाकिफ हैं हम, बहुत पुराना रिश्ता है हम दोनों का। तुम इत्मीनान रखो रेहान, कम से कम इस घर में हमें कुछ नहीं हो सकता। जी बेगम साहब। चलिए। शुक्रिया बेगम साहिबा। लीजिए पानी। ये लाइट को न जाने क्या हो गया। अब शुक्र है। अरे आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस हम जाने ही वाले थे पर सनम ने बताया कि आपकी तबीयत खराब है। नहीं नहीं, तबीयत तो बस यूं ही जरा सा चक्कर आ गया था और कुछ नहीं, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुमसे मिलना चाहती थी, मिल ली, अब चलती हूँ। तो चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, आप कैसे, घर पे तो जश्न चल रहा है ना। फंक्शन अभी खत्म ही होता होगा और इतना वक्त मैं निकाल ही सकता हूँ। नहीं नहीं, वाकई हम चले जाएंगे, तकल्लुफ करने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, आप मुझे मना करके बेगम साहिबा को मना कर रहे हैं और उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपका ख्याल रखूं और मुझे नहीं लगता कि आपको बेगम साहिबा की बात से इनकार करना चाहिए। नहीं नहीं, मैं बेगम साहिबा की बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, बस आपका इस तरह से निकल के आना, मतलब उसमें क्या हुआ, आप भी मेरी बड़ी अम्मी जैसी हैं और अगर मेरी बड़ी अम्मी यहाँ आती तो मैं उन्हें अकेले जाने नहीं देता। चलिए। आज के वक्त में भी इतनी तहजीब, देखकर बहुत अच्छा लगा बेटा। सनम, तुम आती रहना बेटा, तुम्हारी बहुत याद आती है। ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी सी लग रही है, जैसे कोई बहुत
बहुत पुराना रिश्ता हुआ इनसे। आइए। शुक्रिया। और आपके मेहमान नवाज भी बहुत खूब थे। अल्लाह के फजल से सब अच्छे से हो गया। अच्छा। अब रात बहुत हो गई है, हम चलते हैं। भाई साहब इतनी भी क्या जल्दी है? नहीं सही कह रहे हैं, रात वाकई हो गई है। आइए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं आए, अभी तो पूरी रात बाकी है। आए बेटा, अभी तो जश्न भी नहीं शुरू हुआ और बिना नाच गाने के भला कोई जश्न होता है? और वैसे भी आहिल बेटा, ये नवाब साहब का घर है और बिना नाच गाने के हमारी महफिल नहीं सजेगी। किसी ना किसी को तो गाना पड़ेगा। गाना मैं गाऊंगी, मेरी आवाज मेरे हुस्न से भी ज्यादा दिलकश है। मैं तो हुई छुई मुई। क्या लाभ लतीफ, आप मत गाइएगा। सनम, हम चाहते हैं तुम कोई गाना गाओ। लेकिन बेगम साहिबा, मुझे गाना नहीं आता। गाओ जी।
बेगम साहिबा, अब तो प्रोग्राम भी हो गया, रात भी बहुत हो गई है, हमें इजाजत दीजिए। आपने दुरुस्त फरमाया, रात काफी हो गई है। आप सब हमारी महफिल में आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम आप सबके लिए कुछ तोहफे लाए हैं। तोहफा? उन्हें लेकर जाइएगा। रेहान, आहिल, ये सनम कहाँ है? जी बेगम साहिबा, तुम अपना तोहफा नहीं लोगी? जी मैं अम्मी, सनम अपना काम कर रही है, आसमा के अम्मी अबू जा रहे हैं, हमें पहले उन्हें छोड़ना चाहिए। नहीं, हम पहले सनम को तोहफा दे देते हैं। अम्मी, लेकिन एक नौकर को तोहफा? आहिल, जब हमने लतीफ को तोहफा दिया तब तो तुमने कुछ नहीं कहा, सनम के लिए क्यों मना कर रहे हो? सनम से क्या प्रॉब्लम है? छोड़िए अम्मी, आप चलिए, मैं आपको अपने रूम तक छोड़ देता हूँ। जल्लाद जिन। अम्मी, आपको अगर कुछ और चाहिए तो बता दीजिए, मैं अभी मंगवा देता हूँ। हमारी फिक्र करना तो तुम्हारी पुरानी आदत है आहिल, लेकिन तुम शायद ये भूल रहे हो कि हमने अपनी जिंदगी के कई साल कहाँ गुजारे हैं। इसलिए तो अम्मी, मैं जानता हूँ कि मैं आपका गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं लौटा सकता हूँ, लेकिन आपको वो खुशियां, वो सुकून तो देने की कोशिश कर सकता हूँ जिस पर आपका हक है। तुम्हें हमारी कितनी फिक्र है आहिल। अम्मी, आपने मेरे लिए अपनी खुशियां, अपना ऐशो आराम, सब कुछ कुर्बान कर दिया। अगर मैं आपके लिए अपनी सांसें भी कुर्बान कर दूं ना, तो वो भी कम है। मैंने ऊपर वाले को तो नहीं देखा, लेकिन अम्मी आपको देखा है मैंने, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बंदगी में कोई कमी हो। जानते हो आए, हम अल्लाह के शुक्रगुजार हैं कि उसने हमें तुम जैसा बेटा दिया। चलिए अम्मी, अब आप आराम कीजिए, आइए, इजाजत दीजिए मुझे। आहे जी अम्मी, तुम कहीं बाहर जा रहे हो बेटा? जी, वो एक फ्रेंड, वो मैं आपको, हम तुम्हारी अम्मी हैं आहे, और हम तो अपनी बेटी की सासों तक को पढ़ सकते हैं, और हम तो ये भी जानते हैं कि वो फ्रेंड एक लड़की है जो तुमसे डिस्को में मिलना चाहती है ना? हाँ अम्मी। आहिल, हम बस इतना चाहते हैं कि घर में निकाह का माहौल है और तुम इस घर के बड़े हो। आप तो जानते हैं कि ये फैमिली फंक्शंस और तुम्हें कभी पसंद नहीं थे, ये हम जानते हैं, लेकिन आहिल, हमने भी तो तुम्हें तुम्हारी जिंदगी खुलकर जीने से कभी नहीं रोका। ठीक है अम्मी, आप अगर मना करेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नहीं आहिल, हम मना नहीं कर रहे,
हम यही चाहते कि तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। यही तो उम्र है ना? इजाजत हमें।